ये सौभाग्यपूर्ण है शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है। अरे साहब तो गुरु द्रोणाचार्य चाहिए क्या अंगूठा। अरे मैं बता दूंगा आपको, बोलने दीजिए उनको, मैं बता दूंगा। सतयुग की भी बात, सतयुग को भी सुना, त्रेता को भी सुना, जब वोट लेना होगा सुरेश जी को, सुरेश जी को जब वोट लेना होगा ना बामसेफी को, तब चिल्लाएंगे 5000 साल से ये है, और अभी बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए द्वापर त्रेता और द्वापर की बात हो गई, सतयुग त्रेता द्वापर की बात हो गई, कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर की बात हो गई। एके आप कुछ कहेंगे? देखिए मैम, ये जैसे अभी बच्चे बीमार हो गए, बच्चों को नमक और रोटी दिया जा रहा है, उनके खाने पे जो है डाढ़ी मार करके शिक्षक या कोई भी अधिकारी वगैरह, ये सब गलत है। रही बात बच्चों से झाड़ू लगवाना और ये सब चीज़ें करना, तो मैं एक सवाल जो है उठाना चाहूँगा। 70 साल हो गए, 50 सरकारें आई कांग्रेस की, बीजेपी की, बीजेपी की तो अभी 2.5 साल हो गए हैं इनके भी, और एक से एक जो है आइडियोलॉजी, बीएसपी की भी सरकार, समाजवादी पार्टी की भी सरकार, तो ये बताती है कि इन्होंने शिक्षा को कितनी गंभीरता से लिया। फोकस जहाँ पढ़ाई पे होना चाहिए उस जगह ये सब चीज़ें हो रही हैं, बसरते उसमें एक चीज़ है। देखिए कई काम ऐसे होते हैं, शिक्षा का मतलब क्या होता है, अगर आप शिक्षा को केवल ऐसे ही परिभाषित करें, इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि बच्चे जाएं स्कूल में किताब खोलें और खूब अच्छे तरीके से पढ़ लें, नंबर अच्छे ले आएँ। हमें याद है अब जैसे शारीरिक शिक्षा होती है, सुबह बच्चों से पीटी करवाया जाता है, तो कहीं उस पर भी ऑब्जेक्शन उठ सकता है कि भाई हमारे बच्चों से क्यों मेहनत करवा रहे हो। शिक्षा में, करिकुलम में, और ये 12वीं के एक इंग्लिश जो हम लोगों की यूपी बोर्ड में चलती थी उसमें हमने एक लेसन पढ़ा था, एक अमेरिका से एक आदमी था एजुकेशन के लिए गया था, उससे प्रिंसिपल ने बोला कमरे की सफाई करो, किस उद्देश्य से किया जा रहा है मुझे नहीं पता। इस उद्देश्य से अगर बच्चों से करवाया जा रहा है कि जी खाली बैठे हैं जबरदस्ती इनसे करवाओ, ये इसी के योग्य है, तो ये गलत है। लेकिन एक स्वावलंबन की दृष्टि से हमेशा से ऐसे बहुत सारे, मैं अपने पाठ्यक्रम के टाइम पे जाता हूं। नहीं नहीं, एके देखिए एक बात बताएं, स्वावलंबन की दृष्टि से आप बर्तन तो नहीं धुला सकते ना, स्वावलंबन की दृष्टि से आप झाड़ू पोछा तो नहीं लगा सकते ना, स्वावलंबन की दृष्टि से आप गोबर तो साफ नहीं करवा सकते ना, ये स्वावलंबन की दृष्टि से तो नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ राशिद जी, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए, स्वावलंबन की दृष्टि से, अपनी जिम्मेदारी की दृष्टि से, प्रधानमंत्री से लेके एक एक आदमी, इवन इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, नाली में घुस के कीचड़ साफ कर सकते हैं, तो वो भी गलत है जी, उसके लिए तो सफाई कर्मचारी है। देखिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, उद्देश्य क्या है शिक्षा का, हमारे बच्चे हैं, अब घर में हम उनसे भी काम करवाते हैं, अब यहां पे इनका मोटिव देखना पड़ेगा जो टीचर है कि हम कुछ ना करें, क्यों नहीं झाड़ू लगाने वाली वहां पर है। मैं बोलता हूं अगर इतना ही किसी को वो हो रहा है, सरकारों से पूछिए ना झाड़ू लगाने वाली क्यों नहीं है, इन नेताओं के, मंत्रियों के, बीएसए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसके पहुंचने के पहले टेबल को रगड़ रगड़ के साफ कर दी जाएगी। और इसीलिए मैं अंकित याद रखिएगा, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बनारस, प्रतापगढ़, मुझे फरुखाबाद, मैनपुरी, इस इलाके में जितने भी बीएसए शिक्षा व्यवस्था पर आदरणीय ओझा जी ने जो पक्ष रखा, हम कलयुग की 21वीं शताब्दी में है और आज की संदर्भ को परिभाषित करने के लिए महाभारत के प्रसंग लाए जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सौभाग्यपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, अरे साहब तो गुरु द्रोणाचार्य चाहिए क्या, अंगूठा, बोलने दीजिए उनको, मैं बता दूंगा। सतयुग की भी बात, सतयुग को भी सुना, त्रेता को भी सुना, जब वोट लेना होगा सुरेश जी को, सुरेश जी को जब वोट लेना होगा ना बामसेफी को, तब चिल्लाएंगे 5000 साल से ये है, और अभी बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए द्वापर त्रेता और द्वापर की बात हो गई, सतयुग त्रेता द्वापर की बात हो गई, कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर की बात हो गई।